बाराबंकी पुलिस के मिशन कायाकल्प के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में पुलिस विभाग का यह एक अनोखा अभियान है जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। दरअसल बाराबंकी के रामनगर तहसील में घाघरा नदी के किनारे स्थित चैनपुरवा गांव में कई दशकों से लोग अवैध शराब बनाने का काम कर रहे थे। अक्सर वहाँ की पुलिस रेड डालती थी और ग्रामीणों को शराब बनाने के आरोप में जेल भेजा जाता था। जब यह समस्या आईपीएस अरविंद चतुर्वेदी के सामने आई तो उन्होंने मिशन कायाकल्प के नाम से एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया। गांव के लोगों की काउंसलिंग करके गांव में ही उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। एनजीओ से जुड़े सभी नौजवानों को लगाकर गांव के लोगों को मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना, स्टॉल बनाना और कई प्रकार के स्वरोजगार सिखाए जा रहे हैं। बाराबंकी का जिला प्रशासन भी इस गाँव में सरकारी योजनाओं को लागू कर रहा है। बाराबंकी के डीएम डॉक्टर आदर्श सीडीओ मेघारूपम ने भी पुलिस विभाग की इस पहल को पूरा सहयोग प्रदान किया है। एसपी बाराबंकी ने चैनपुरवा के सुखचैन के लिए खास तौर पर लखनऊ से और बाराबंकी से जुड़े कई स्वयंसेवी संस्थाओं के विशेषज्ञों को बुलाया और उन्हें एक बस में बैठाकर चैनपुरवा के लिए निकल पड़े। लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा के दौरान चलती बस में द इंडियन ओपिनियन टीम से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक और उनके साथ ग्रामीणों के विकास के लिए संकल्पित हुए विशेषज्ञों ने बताया कि अपराध के उन्मूलन के लिए मिशन कायाकल्प जैसी योजना को गंभीरता से पूरे देश में लागू करना चाहिए और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अपने देश के गरीब भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए लोग उत्साहित हैं। कुछ दिनों पहले परिवर्तन की एक अनोखी यात्रा बाराबंकी में शुरू हुई थी और ये यात्रा लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि चैनपुरवा गांव, जो कि बाराबंकी में घाघरा की नदी के किनारे एक पिछड़ा गांव है जहां के लोग अपराध के दलदल में फंसे हुए थे, उस गांव को उबारने का बीड़ा उठाया बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने। सकारात्मक पुलिसिंग के जरिए लोगों को अपराध से जो हानियाँ हैं, जो नुकसान है और जिस गरीबी और मजबूरी के चलते वो अपराध के दलदल में फंसे थे, वहाँ से निकलने का एक रास्ता उपलब्ध कराया है। आज फिर ये यात्रा उसी मंजिल की ओर बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि इस यात्रा के तमाम सहभागी हैं, तमाम यहाँ पर एनजीओस के लोग हैं, यहाँ पर समाज के हर वर्ग के प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और जो पहल बाराबंकी के एसपी डॉक्टर अरविंद ने की है उस पहल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तमाम लोग अपना अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और इस बस में हम सवार हैं, ये बस बाराबंकी से निकल चुकी है पुलिस अधीक्षक आवास से और चैनपुरवा गांव की ओर बढ़ रही है। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी साहब, ये जो एक मिशन है, मिशन कायाकल्प आपने इसको नाम दिया है और अपराध का उन्मूलन इसकी मूल भावना है कि अपराध जो है उसका उन्मूलन हो, अपराधियों को सिर्फ जेल भेज देना समाधान नहीं है, जो लोग अपराध कर रहे हैं उनकी काउंसलिंग करके उनकी क्षमताओं का समाज के हित में सदुपयोग करना, तो इस मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने अगस्त के महीने में थाना रामनगर का एक गांव चैनपुरवा है उसे चिन्हित किया था। उसको चिन्हित करने का आधार था कि वहां 95 परिवारों में से 90 परिवार अवैध शराब बनाते थे, आसपास के इलाकों में बेचते थे, पीते थे, जिससे वहां तमाम मौतें हुई और लोग अशक्त हो गए, एडिक्ट हो गए। इसको आधार बनाकर हमने अपने जो बड़े सुबुद्ध अधिकारी हमारी टीम में हैं उनसे वार्ता करने के बाद उस गाँव को चिन्हित किया और वहाँ पुलिस की चौपाल लगाई। हमें कम से कम 4 हफ्ते लगे उन लोगों को ये समझाने और बताने में कि जो वो काम कर रहे हैं वो गलत काम है, वो जो भी इस गलत काम से पैसा कमाते हैं वो सारा कोर्ट कचहरी और जमानत कराने में खर्च हो जाता है जब ऐसे लोग अरेस्ट होते हैं। उनकी बात समझ में आई और हमने उनको एक ऑल्टरनेट देने का विचार बनाया, मन बनाया। उसमें हमारे तमाम जन सहयोगी साथ में आए और वहाँ मधुमक्खी पालन का एक मिशन हम लोगों ने शुरू किया। मधुमक्खी वाला के नाम से मशहूर निमित सिंह हमारे साथ जुड़े और वहाँ ये मिशन शुरू किया गया। लेकिन मधुमक्खी पालन का जो उत्तर भारत में समय है वो 15 नवंबर के बाद शुरू होता है और हमको उन्हें एक ऑल्टरनेट इमीडिएट देना था, तो हमने दिवाली को देखते हुए वहाँ 20 वैक्स के दिए बनाए, उनसे बनवाए और एक बहुत ही सकारात्मक हमारे साथ सहयोग रहा। करीब 4.5 लाख दीपक हमने लखनऊ और अन्य शहरों में लोगों को सप्लाई कराए और उससे एक काफ़ी अच्छी आमदनी वहाँ के गांव वालों की हुई। काला वाला
दिवाली को एक हफ्ता हो चुका है और हमें वहाँ ऑल्टरनेट देना है। मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस बस में लखनऊ और बाराबंकी के तमाम समाजसेवी संगठन के लोग हमारे साथ आज चल रहे हैं। आज हम वहाँ महाचौपाल कर रहे हैं और हमारा इरादा है कि वहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं महिलाओं के, 5 ग्रुप बने हैं जिसमें 55 महिलाएँ उसकी भागीदार हैं। आवश्यकता पड़ने पर 2 ग्रुप और बनाए जाएंगे। आज इसमें हमारी सरकारी मशीनरी भी साथ चल रही है। जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह एक अत्यंत संवेदनशील कुशल प्रशासक हैं जिन्होंने हमारी इस पहल का पूरा समर्थन किया है और पीओ डूडा श्री त्रिपाठी को नोडल बनाया है जिले की ओर से। उन्होंने तमाम और विभागों को हमारे साथ जोड़ा है और वहाँ जितने भी पात्र लोग हैं उन्हें आच्छादित करने का प्रयास किया है। आज की जो हमारी पहल है जिसे हम माँ चौपाल का नाम दे रहे हैं, इसमें हम वहाँ 5 वर्किंग ग्रुप को आज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा के उनको एक नई संभावना दिखाएंगे, जिसमें बाराबंकी का 1 District 1 Product के रूप में मशहूर स्टोल के कोनों पर गांठ लगाने का काम एक ग्रुप को हम देंगे, पूजा की बत्ती बनाने का काम एक ग्रुप करेगा, मिठाई के डब्बों को बनाने का काम तीसरा ग्रुप करेगा और 2 ग्रुप काऊ डंग से जो उत्पाद बन रहे हैं जो बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, इको फ्रेंडली हैं, जिसमें दियाली है, हवन सामग्री है, हवन कुंड में जलने वाली लकड़ी का प्रतिस्थानी है, इस तरह की चीज़ों को वहाँ बनाएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के 3 चरण होंगे। ये जो हम लोग प्रयास अभी कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म एफर्ट्स हैं। इसके अलावा मिड टर्म एफर्ट्स में बी कीपिंग और अगरबत्ती बनाने का यूनिट वहाँ लगाने का प्रयास किया जाएगा और लॉन्ग टर्म प्लान भी वहाँ तैयार किए जा रहे हैं। कई बड़े सुबुद्ध और उदार मना समाजसेवी हैं जो वहाँ सिलाई का केंद्र बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए पूरे फाइनेंसिंग देने का उन्होंने आह्वान किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी 3 महीने में इतने सुखद परिणाम निकले हैं सामने, आने वाले समय में ज़रूर हम और प्रगति करेंगे और इसी तरह का मॉडल रिप्लिकेट कर सकेंगे जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी। प्रत्येक तहसील में एक गांव चैनपुरवा जैसा चुनने का हमारा संकल्प है, जिसमें हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संलग्न हैं और बहुत जल्दी इनका चिन्हीकरण कर लिया जाएगा। तो डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की जो ये पहल है इसमें बहुत से लोग सहभागी बने हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम आप बताइए कहाँ से हैं और किस तरह से आप इस एक महान यज्ञ में अपना योगदान देना चाह रही हैं। सर मैं चाइल्डलाइन से काउंसलर हूँ 1098 से। सर का बहुत अच्छा वर्क है और सर से हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है और सर से हम लोग जुड़ गए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सर ने हम लोगों को अपनी इस टीम में जोड़ा है। जितना भी जो भी सहयोग होगा, काउंसलिंग की अगर ज़रूरत होगी या जिस बेसिकली जो भी ज़रूरत होगी, तो हम लोग अवेलेबल हैं इसके लिए। सर आप बताएं कि ये जो मिशन है, जो आपको जानकारी मिली है इसके बारे में, आमतौर पर पुलिस अपराधियों को पकड़ के जेल भेज देती है, लेकिन अपराधियों को अपराध से दूर करके समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, इससे किस तरह का सकारात्मक परिवर्तन देश में मिलेगा? ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास है और सभी प्रकार के लोगों को एक नेतृत्व मिला इस दिशा में काम करने के लिए। बहुत से अधिकारी, बहुत से एनजीओ प्लेटफॉर्म खोजते हैं काम करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ और ये एक बड़ा ही सार्थक प्रयास है और ये देश की प्रगति में वर्तमान जेनरेशन और जो भी उनके बच्चे हैं उनके लिए एक बड़े भविष्य के निर्माण की पहल है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सौरभ जी यहाँ मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौरभ जी आपका विभाग जो है वो किस तरह से इस मिशन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है? देखिए वैसे तो हमारा विभाग मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में काम करता है डूडा, लेकिन इस बार हमें अवसर मिला है कप्तान सर के नेतृत्व में गांव की महिलाओं के लिए कुछ कार्य करने का। सर के नेतृत्व में हम लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं, कुछ हमारे जो स्वयंसेवी समूह उत्पाद वहाँ पे बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि वैसे ही हम ट्रेनिंग देके उन उत्पादों को उन महिलाओं को भी बनाना सिखाएं, जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके और वो इस जो अपराध का दलदल है, जिस जो सर की मुहिम है, उससे उनको निकाल सकें। आशीष जी आप जो दृश्य देख रहे हैं और कई वर्षों से आप कार्यरत हैं जनपद में, ऐसा ये जो दृश्य है ये किस तरह का संदेश दे रहा है? निश्चित रूप से ये पूरी जो मुहिम है, मैं कहना चाहूँगा
इसने न केवल इस जनपद में एक कायाकल्प की शुरुआत की है और उसको बहुत गतवर ढंग से आगे बढ़ाया है, बल्कि ये पूरे प्रदेश के लिए एक नज़ीर बन रही है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी स्वभावगत अपराधी नहीं होता है। उनकी वृत्ति को एक ऐसा मोड़ देने की आवश्यकता थी जो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने किया, और उनके सामने जो यक्ष प्रश्न आजीविका का होता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनको अपराध की ओर उन्मुख करने का, उस आजीविका से उनको सीधे सीधे जोड़ने का, और एक ऐसे तरीके से जिसमें वो स्वयं को गौरवान्वित अनुभूत कर सके, आत्मनिर्भर बनना हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी इच्छा है कि हर व्यक्ति हमारा आत्मनिर्भर बने, और उस सोच को ग्राउंड लेवल पर साकार करके दिखाया है पुलिस अधीक्षक महोदय ने, तो निश्चित रूप से इस जनपद को एक नई प्रेरणा मिल ही रही है। और ये दीप जो चैनपुरवा में जला है, जिसकी हम कह सकते हैं जिसका प्रकाश अभी हम लोगों ने दीपावली में देखा है, ये पूरे एक सूर्य की भांति मुझे लगता है पूरे प्रदेश को आलोकित कर सकेगा, और हमको पूरी ये आशा और विश्वास है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जनपद और पूरा प्रदेश इस तरीके के जो कायाकल्प को अपनाएगा, और जहां भी ऐसी परिस्थितियां हैं उनको हम सकारात्मक दिशा से मोड़ करके एक मुख्य धारा में ला सकेंगे, ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताएं कि आप कहां से आए हैं और किस तरह की वहां पर भूमिका आप अपने प्रयासों से देने जा रहे हैं, और कैसा दृश्य दिख रहा है परिवर्तन का? नमस्कार, मेरा नाम बलबीर सिंह मान है और मैं लखनऊ की एक ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद संस्था, उसका संस्थापक हूँ। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम करना चैलेंजिंग होता है, शहरों का विकास तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम हमेशा ही देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हो पाता और ग्रामीण क्षेत्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। उनको वापस पटरी पे लाना, उनको एक सोच देना, दिशा देना, उनका कायाकल्प करना, ये एक लोकल से वोकल की जो बात होती है उसका जीता जागता उदाहरण है। आज प्रदेश में कहीं ना कहीं पर बहुत सारी चीज़ें, अगर हम शराब की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और उन्हीं लोगों को रिहैबिलिटेट करके, उस चीज़ों से निकाल करके, अब एक सही मुख्य धारा से जोड़ करके उनको देश में फ्रंट लाइन में लाना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और जो SP महोदय हैं यहाँ के बाराबंकी के, ये डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति के संस्कार के ऊपर, और वो संस्कार जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो एक बदलाव लाता है, एक बहाव लाता है, जो बहाव हम लोग देख रहे हैं। और हम सब लोग हमारे देश के लिए, हम खासकर हमारी बाराबंकी की हम बात करें तो बाराबंकी भी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। अगर बाराबंकी जिला अगर प्रदेश के अंदर उठता है, खड़ा होता है, तो पूरे प्रदेश का नाम होता है, और प्रदेश का नाम होता है तो फिर देश का नाम होता है। धन्यवाद। सर, आप बताएं कि आप कहां से हैं, अपना परिचय दें, और ये जो मिशन है इसमें किस तरह से आप खुद को इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं? मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लखनऊ से हूँ। अरविंद जी से बहुत पुराने संबंध रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक वर्ग को अरविंद जी ने जोड़ा है, और सबकी एक सेंसिटिविटी इस कॉज के लिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और ये एक आगे लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट होगा, और मेरे को जरूर है कि और भी जगह लोग इस चीज़ को लेके चलेंगे। बहुत से लोग भावनात्मक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं, जो किन्हीं कारणोंवश अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, वो सही दिशा में आकर अपनी भूमिका का निर्वहन देश हित में करें। मैडम, आप लोग कहाँ से हैं और आप इस मिशन को किस रूप में ले रही हैं? मैं लखनऊ से हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि जो सर का जो काम है मिशन कायाकल्प, उसमें हम कुछ योगदान दे सकें। तो मैं एक पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उन लोगों को जो कैस्ट्रॉल होता है उसकी खेती करना उन लोगों को सिखाना चाहती हूँ, ताकि वो वहाँ से कैस्ट्रॉल निकालें। और क्योंकि मैं पेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, उससे रेजिंग बनता है, उसी के कैस्ट्रॉल के ऑयल से रेजिंग बनता है, तो उनसे हम वो मतलब खेती करवा करके, और उसका हम नेक्स्ट प्रोसेस उसका एक फैक्ट्री लगाने को सोच रहे हैं, और उससे रेजिंग बना करके और हम अपनी इंडस्ट्री में वो करना यूज़ करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब सर ने अभी तक जो काम किया है मिशन कायाकल्प, मतलब उन लोगों को उस परिस्थितियों से, जिस विषम परिस्थितियों में जी रहे थे, उनसे निकाल करके और उनको एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, अपराध की तरफ से निकाल करके एक ढंग की लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी में मैं भी थोड़ा सा योगदान करना चाहती हूँ, और मतलब हमारे लिए भी बेहतर है और उन लोगों को भी एक अच्छा लाइफ मिलने की वो रहेगी, तो बस वो एक मेरा छोटा सा कोशिश है। आप मैडम बताइए कि
अपराध जो करने वाले लोग हैं किन्हीं कारणों से, जिनके सामने गरीबी की एक चुनौती होती है, ऐसे लोगों के लिए इस तरह के जो अभियान हैं वो कितने सार्थक हो सकेंगे? ये 100% सार्थक होगा, क्योंकि एक कहावत है कि अपराध से नफरत करो अपराधी से नहीं। जो कप्तान साहब के अंतर्गत ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो ये मिशन है, मिशन कायाकल्प, ये 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इससे क्या है कि हम लोग जो एक एक वहाँ के मतलब जितनी भी औरतें हैं, मतलब वहाँ चैनपुरवा गांव के अंदर में, उनको रोज़गार प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी लाइवलीहुड थी, आजीविका, उनको खाना मतलब नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो उस पर मजबूर थी कि वो उस टाइप का बिजनेस करें, वो काम करें। लेकिन अभी सर के मतलब प्रयासों से जो भी वहाँ पर हुआ, वहाँ पर अभी आप जाकर देखेंगे तो एक सही में ये मिशन कायाकल्प जो है वो वहाँ पर सार्थक होता, ये जो कायाकल्प शब्द है वो वहाँ पे वो सार्थक होता हुआ दिख रहा है। आज वहाँ की जो औरतें हैं वो स्वावलंबी हैं, उनके मतलब खुद काम का कार्य कर रही हैं और बहुत खुशहाल है, एक अलग खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। तो मिशन कायाकल्प वहाँ पर सार्थक होता दिख रहा है। एक युवा महिला पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मैडम आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पर और जिस तरह से आपने खाकी वर्दी धारण की है और पुलिस सेवा में आप आई हैं, और पुलिस का उद्देश्य है कि समाज में अपराध नियंत्रण हो और एक सकारात्मक परिवर्तन हो, पुलिसिंग की ये जो परिभाषा है कि लोगों को हम अपराध की दिशा से उन्हें समाज के हित में सार्थक दिशा में ले जाएं और वो आत्मनिर्भर बने, ये जो पुलिसिंग का दृश्य आप देख रही हैं और अभी एक लंबी सेवा आपको करनी है इस विभाग में, आपने इसको देख कर क्या ग्रहण किया? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया और मैं यहाँ पे आई तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पुलिसिंग, मैंने मॉडर्न पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग का एक नया आयाम, एक नया एस्पेक्ट यहाँ मुझे देखने को मिला, जिसमें सर को मैंने देखा कि हाउ ही इज़ एक्चुअली ड्रैगिंग पीपल टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम, जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको निकाल के और अच्छे कामों में इन्वॉल्व करना, जो कि प्रोडक्टिव हैं और जो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ मुझे देखने को मिला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विमेन आर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज़, तो ये मुझे काफ़ी मुझे इंस्पायर किया इन सारी एक्टिविटीज़ ने। इसके अलावा जो इको फ्रेंडली चीज़ों को, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट एवरी टाइम, तो इको फ्रेंडली तरीके से किस तरह हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं और लोगों तक उसको एक्सेस कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ये भी एक बहुत ही एग्जाम्पलरी थिंग है जो कि मुझे चैनपुरवा में देखने को मिला। उसके अलावा सर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सर इज़ वेरी कंसर्न, तो मैंने पुलिसिंग में इतना सब कुछ कभी सुना नहीं था, आई वॉज जस्ट रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स इन बुक्स की कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए भी पुलिस काम करती है। मुझे यहाँ देख के रियल में ये फील हुआ कि डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पुलिसिंग, इफ़ वी हैव विल तो हम कर सकते हैं डेफिनेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक टैगलाइन मैंने बचपन से सुना था कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड सर हैज़ वेरी इन अ वेरी डिफरेंट वे प्रूव दैट डिस्पाइट हार्ड वर्क, डिस्पाइट अ नंबर ऑफ बर्डन, वर्क बर्डन, ही इज़ एक्चुअली डूइंग वेरी गुड वर्क फॉर द पीपल। थैंक यू। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये जो अंग्रेजी की कहावत है वो वास्तव में सार्थक होती है, जब हम दिल से प्रयास करते हैं किसी भी लक्ष्य के लिए तो सफलता ज़रूर मिलती है। और कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, सर आपका परिचय जानना चाहेंगे और ये जो मिशन है, इस मिशन को आप किस तरह से देखते हैं, कितना प्रोडक्टिव हो रहा है ये? जी मैं मनीष अवस्थी हूँ, मैं लखनऊ से आया हूँ और इस मिशन के बारे में ना केवल जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं अवगत हूँ इसके बारे में, और ये PPP मॉडल का एक बहुत अनूठा एग्जाम्पल है, क्योंकि PPP मॉडल लोग सुनते तो बहुत हैं पर वो चरितार्थ नहीं होता, पर चरितार्थ करने के लिए इसमें जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका सबका भरपूर सहयोग आवश्यक है, और हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है यहाँ पे और इसमें संभावनाएं बहुत अपार हैं लेकिन मन, ये मेरे हमारी शुभकामनाएँ इस काम के लिए। थैंक यू। सर आप बताएं, अपना परिचय बताएं, और ये जो मिशन है मैंने पहले भी आपको देखा है इस कार्यक्रम में, तो इस कार्यक्रम में आप किस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं? जी
देखिए, मैं रोहित त्रिपाठी हूँ, एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। और ये मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये क्राइम कंट्रोल का ये जो तरीका है, अब तक हम लोगों ने अपने देश में और ख़ासतौर में उत्तर प्रदेश में बहुत कम देखा। और ये अगर आप इसको देखिए, तो जब तक हम उसके किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जब तक उसके रूट पे नहीं जाएंगे, तब तक वो क्राइम हमारे समाज से कम्प्लीटली वाइप आउट होगा नहीं। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, बाराबंकी का। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे और ज़िलों के जो पुलिस है वो भी ये एक्सपेरिमेंट करें। और ये बहुत ही कामयाब, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बड़े कामयाब तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, और यहाँ भी इनको करना चाहिए। ये जो प्रयोग है, ये दुनिया के कई देशों में इस तरह के प्रयोग लोगों ने प्रयास किए हैं करने के। और भारत में भी आप देखते होंगे कि आतंक प्रभावित क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस इस तरह के अभियान चलाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है। एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए कि आप नौजवान हैं और एक यूथ के तौर पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो पुलिस के बारे में एक माइंडसेट है कि पुलिस कहीं गलत होता है तो लोगों को पकड़ के पीट के जेल भेज देती है, यहाँ पर पुलिस लोगों को प्रोडक्टिव कार्यों में लगा रही है। सर, मैं तो इस दिन को मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरे, तो उनको फर्स्ट डे से फॉलो कर रहा हूँ। एंड जैसे ही जो उनने बताया था कि सर वो नकली शराब का धंधा करते हैं, उस चीज़ को कन्वर्ट करना, आप क्या करते हैं पुलिस वाले उनको बंद करते हैं, पर जो दूसरा काम उनको देना होता है वो आप नहीं बताते, उनको करें क्या, वो बेरोज़गारी हो जाती है वहाँ। फिर उनको बी वैक्स करना, फिर वहाँ उस जगह चैनपुरी में उनको काम लगाना, एंड उन्हीं के लिए आज जो इतना फंक्शन उन्हें आयोजन करना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड वो एक माइंडसेट को पूरा मतलब रिवर्स इंजीनियर करता है कि कैसे काम करते हैं, एंड उनको दूसरा काम सौंपना, उनको सही काम से उनकी हेल्प हो, दूसरों को भी हेल्प हो। सो वो काफ़ी नई चीज़ है, एंड काफ़ी आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये लोग हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की, एंड उन लोगों को एक नया जॉब, नया एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग, एंड कंग्रेचुलेशंस टू देम, एंड आई विश ऑल द बेस्ट विशेस फॉर देम। मैडम रागिनी चतुर्वेदी, जो कि वामा सारथी, जो कि IPS अधिकारियों की पत्नियों की एक संस्था है, कल्याणकारी कार्यों में योगदान देती हैं अक्सर। मैडम, ये जो कार्यक्रम है, वैसे तो आपके पतिदेव ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इसके इतर अगर आप इसको देखती हैं एक विस्तृत दृष्टिकोण से, ये कार्यक्रम जिस तरह से गांव में जाके जो लोग अपराध में उलझे हुए थे उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना, इस कार्यक्रम की जो मंशा है और इसका जो प्रभाव है, वो आपकी दृष्टि में किस तरह से सामने आने वाला है? इसको आप क्राइम वगैरह के अतिरिक्त मैं इस रूप में देखती हूँ कि ये एक सामाजिक विकास में हमारा योगदान है, क्योंकि महिलाएं ही परिवार की नींव हैं। वो यदि अच्छे बेहतर अपने लिए विकल्प चुनती हैं बजाय आपराधिक कामों के, तो केवल उन्हीं का नहीं, उनके पूरे परिवार का बहुत अच्छा विकास होगा, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको इससे बहुत अच्छा सबक मिलेगा। दैट वे हम लोग इसके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो पाएगा। तो महिलाएं जो हैं वो परिवार का आधार हैं, और जिस तरह से महिलाओं पर केंद्रित किया गया है इस पूरे मिशन में, महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है, महिलाएं जब सशक्त होंगी तो वो अपने परिवार के जो उनके बच्चे हैं, जो उनके युवा हैं, निश्चित तौर पर उन्हें किसी भी कीमत पर गलत रास्तों पर नहीं जाने देंगी। और परिवार की जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो वहाँ पर विकास की नई संभावनाएँ होंगी, और निश्चित तौर पर चैनपुरवा गाँव के लोग देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। और ऐसे तमाम जो गांव हैं देश में, प्रदेश में, वहां पर इस तरह की शुरुआत होनी चाहिए, और जो लोग मजबूरी में अपराध के दलदल में फंस जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, उन्हें सही दिशा में लाने से ही देश का निश्चित तौर पर भला हो सकता है। इस कार्यक्रम में अगले चरण में जो गतिविधियाँ होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी से दीपक मिश्रा। चैनपुरवा गाँव पहुँचने के बाद ग्रामीणों के बीच पहुंचकर NGO के विशेषज्ञ ने उन्हें स्वरोजगार से जुड़ा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया, साथ ही गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर भी सहमति बनी। अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया, और ग्रामीणों को भी एक नई ऊर्जा और नया मनोबल के साथ अपना सुनहरा भविष्य दिखाई पड़ रहा है। गाँव की महिला सुंदरा देवी ने बताया कि आप उसे भरोसा है कि उसका गांव गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाएगा।
और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं किसी के, कि एक मेरा दिन कल का था और एक मेरा दिन आज का है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं सब नहीं इस्तेमाल कर पाती हूँ कि मैं किस शब्दों में किस लफ्जों में सबका मैं धन्यवाद करूं और किसको मैं अपने आप को मैं इतना गर्व महसूस कर रही हूँ। चैनपुरवा के विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसके लिए बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने विशेषज्ञों की अगुवाई में एक ट्रस्ट के गठन की घोषणा कर दी है। वह खुद सरकारी नौकरी में होते हुए भी इस ट्रस्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने संवेदनशील लोगों को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि यह अभियान कभी रुकने न पाए। ट्रस्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाईकोर्ट के अधिवक्ता, शिक्षक, एनजीओ के विशेषज्ञ और गाँव के कई लोग शामिल किए गए हैं। पुलिस के सहयोग से दीपावली के मौके पर गांव के लोगों ने लगभग 1.5 लाख मोम के दिए बनाए थे, जिसकी बिक्री पूरे प्रदेश में हुई और अयोध्या में हुए दीपोत्सव में भी यह दिए जलाए गए थे। आपको जानकर यह खुशी होगी कि जिस गांव में लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, जहां मजबूरी में लोग अवैध शराब का काम करते थे, उस गाँव के हर परिवार ने दीपावली के मौके पर लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये के मोम के दिए बेच कर कमाए हैं और अपने त्यौहार को खुशनुमा बनाया। इसके साथ ही अपने परिवारों के बेहतर भविष्य के लिए मनोबल अर्जित किया। एसपी बाराबंकी ने द इंडियन ओपिनियन से बताया कि ट्रस्ट बनने के बाद गांव के विकास का यह कार्यक्रम सतत चलता रहेगा और यह अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक गांव के सब परिवार आत्मनिर्भर और सक्षम न हो जाएं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को अन्य क्षेत्रों में भी जरूरत के हिसाब से लागू किया जाएगा। पुलिस पहले भी चैनपुरवा गांव में आती थी, लेकिन जब पुलिस इस गांव में आती थी तो पुलिस की दहशत होती थी, क्योंकि ये गांव जरायम करने वालों का अड्डा होता था। लेकिन अब जब पुलिस आती है और पुलिस अब जब यहां के लोगों का हाथ पकड़ती है तो उन्हें विकास की ओर ले जाती है, खुशहाली की ओर ले जाती है, उन्हें आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की ओर ले जाती है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने जो ये प्रयोग किया है, इसकी सराहना पूरे प्रदेश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज एक ट्रस्ट की भी, एक फाउंडेशन की यहाँ पर घोषणा कर दी है, जिससे ये जो यहाँ पर शुरुआत हुई है ये निरंतर बनी रहे। कप्तान साहब, जिस तरह से आपने एक बड़ी घोषणा की है कि एक फाउंडेशन यहाँ बन जाएगा जो रेगुलर वे में इस काम को करता रहेगा, क्योंकि ये बात सही है कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र के बाद उनकी जो नीतियाँ होती हैं, जो प्राथमिकताएँ होती हैं, वो बदल जाती हैं, तो ये फाउंडेशन किस तरह से लंबे समय तक यहाँ के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कार्य करेगा? देखिए, यहाँ जो बाराबंकी पुलिस ने काम शुरू किया था उसका प्रचार प्रसार बहुत से पत्रकार बंधुओं ने किया और बहुत से लोगों तक इसकी जानकारी आई। यहाँ पर विकास का स्थायित्व देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत से लोग आगे आए, जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, जिन्होंने प्रस्ताव दिए अपने, और उनमें उनका चयन करके इसे स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये महसूस किया गया कि प्रशासन या पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफ़र कभी भी हो सकता है, इस पहल को धक्का न लगे, इस पहल के लोगों को एक कॉन्टीन्यूटी मिले इस प्रयास की। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर एक बॉडी बने जो यहाँ के लोगों से जुड़ी हो, यहाँ के लोग उसमें शामिल हों और यहाँ जो उद्देश्य रखे गए हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जो तीन उद्देश्य रखे गए हैं, एक्टिविटीज़ चिन्हित की गई हैं, उनकी निरंतरता बनाए रखते हुए वो आगे इस काम को बढ़ाते रहें। आज एक ट्रस्ट की घोषणा की गई है, सभी लोगों के से वार्ता करने के बाद, जो स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस और प्रशासन, उनसे बात करने के बाद, जिसमें लखनऊ शहर के सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री राजीव शर्मा, जिन्हें बड़ा लंबा अनुभव है समाज सेवा का, श्री रोहित त्रिपाठी जो एडवोकेट हैं पेशे से और उन्होंने चैनपुरवा के काम में बड़ी रुचि ली है, इस पूरे प्रयास की जो धुरी रहे हैं श्री निमित सिंह, उन्हें भी इस ट्रस्ट से जोड़ा गया है। इसके अलावा आशीष पाठक जो बाराबंकी के बहुत कुशल उद्घोषक हैं, अध्यापक हैं पेशे से और यहाँ के बच्चों को भविष्य देखते हुए एक अध्यापक को जोड़ना आवश्यक समझा गया, उन्हें भी इस समिति में जोड़ा गया है। इसके अलावा यहाँ गाँव की 3-2 महिलाएं और एक पुरुष को भी इस उसमें जोड़ा गया है, जिसमें सुंदरा एक महिला हैं जो बड़ी सक्रिय हैं, रीना एक बड़ी उद्यमी महिला हैं और एक लड़का योगेंद्र, संभवतः निमित्त प्रदीप कुमार, उनको भी इस ट्रस्ट से जोड़ा गया है, जिससे कि इसको स्थायित्व दिया जा सके।
हमारे प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि भारत यदि एक कदम चलेगा, भारत के लोग, भारत का एक एक नागरिक यदि एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पूरा भारत जो है वो 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। और ये जो मूल भावना है स्वावलंबन की, आत्मनिर्भर भारत की, इस मूल भावना को बाराबंकी पुलिस ने इस गांव में तो साकार कर दिया है और ये गांव अब अपना कदम बढ़ा चुका है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के देश के सभी गाँवों में स्वावलंबन के ये प्रयोग किए जाएँ। गाँव के जो लोग हैं गरीबी और अशिक्षा में जो अभी भी उलझे हुए हैं, उन्हें यदि इस तरह से रोज़गार से जोड़ा जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, तो हर गांव अपने लिए अपने सारे खर्चे निकाल सकता है, हर गांव एक मॉडल के रूप में विकसित हो सकता है और हर गांव आत्मनिर्भर हो सकता है। और गांव जब आत्मनिर्भर होंगे, गांव जब विकसित होंगे तो पूरा भारत विकसित होगा, क्योंकि देश की 70% आबादी अभी भी गाँव में है। तो ऐसे में ये जो प्रयोग है इसका अनुसरण करने की ज़रूरत है। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा। करे राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, अन्न धान से भर दे अपने, घर का कोना कोना